सितारगंज खटीमा नानकमत्ता के गन्ना किसानों की चार साल की मुराद पूरी हो गई है। पुष्कर सिंह धामी ने चार साल से बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल की शुरुआत करवा दी है। विधिवत पूजा अर्चना कर 2021 के पेराई सत्र को शुरू किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गन्ने का समर्थन मूल्य 355 रुपया प्रति क्विंटल भी घोषित किया। लगातार जरूरत, लगातार मांग आती रही है। आज चूंकि बड़ा शुभ अवसर है, चार वर्षों से बंद हमारी सितारगंज चीनी मिल चालू हुई है, तो इस शुभ अवसर पर हमने 355 रुपये अगेती प्रजातियां हैं गन्ने की, उसका मूल्य हमने घोषित करने का निर्णय लिया है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र न कराने को लेकर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उधर भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। कि जब सरकार ने यह तय किया था कि पहले नवंबर 28-29 को, उसके बाद 7-8 दिसंबर की तारीख को कि हम इस शीतकाल के सत्र में करेंगे और विंटर में जाड़ों के समय में गैरसैंण करें, तो उस समय भी तो उनको मालूम होगा कि गैरसैंण में ठंड आती है, गैरसैंण में बर्फ़ पड़ती है, और अचानक आज उस सत्र को देहरादून लेने की जो तैयारी हो रही है, मुझे लग रहा है कि एक बार लोगों में भावना जगी थी कि गैरसैंण में शीतकाल में सत्र मना करके सरकार कोई बड़ी घोषणा गैरसैंण के संदर्भ में करना चाहती है, सरकार उसका उत्तर नहीं देना चाहती। आवास बन रहे हैं, कर्मचारियों के आवास बन रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है पूरी तरह से भारतीय। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद प्रदेश सरकार कल इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। खबर यह है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार ने सहमति बना ली है, कल इस पर फैसला लिया जा सकता है। उधर तीर्थ पुरोहितों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सरकार को इस पर जल्द ही फैसला लेना चाहिए ताकि उनका आंदोलन खत्म हो और सरकार अपनी बात पर कायम रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है केदारनाथ में हमें जो है वचन दिया था कि हम 30 तारीख तक जो है देवस्थानम बोर्ड को ख़त्म कर देंगे, और हम ये आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो है 30 तारीख तक ये देवस्थानम बोर्ड जो है ख़त्म होना चाहिए। यदि इन्होंने ख़त्म नहीं किया तो पूरे चारों धामों में और अखिल भारतीय तीर्थपुरी समाज जो है आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सदबुद्धि प्रदान हो। उस पर हम राय कर रहे हैं, सभी से राय कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। अभी कल भी मनोहर कांत ध्यानी जी की जो अंतिम रिपोर्ट है वो हमको मिल गई है, उस पर राय करेंगे, अभी लोगों से बात करेंगे।